आपने बहुत सारी होम रेमेडीज यूज कर ली हैं, मार्केट वाली हेयर डाई भी यूज कर ली हैं, आप हेयर पैक लगाकर थक चुके हैं, बट आपके जो सफेद बाल हैं वो काला होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैंने इस वीडियो में DIY होममेड हेयर पैक शेयर किया है, जिसको लगाने से आपका एक एक सफेद बाल है ना जो वो बिल्कुल जड़ से काला हो जाएगा। छोटे बड़े हर उम्र का व्यक्ति इस पैक को यूज कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बालों पर नहीं होने वाला है। मैंने इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया है। 100% नेचुरल हेयर पैक है, जिसको लगाने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में। गाइस, आप जब भी कोई भी हेयर पैक यूज करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो मुझे बहुत सारी दिल से खुशी मिलती है। मैं आपका हर एक कमेंट रीड करती हूँ। आप हमेशा ही मेरे चैनल पर इसी तरह अपना प्यार बना के रखिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में छोटा सा बेल बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप मेरी हर आने वाली वीडियो को वॉच कर पाए। तो चलिए देखते हैं कि आपको सफेद बालों को कैसे नेचुरल तरीके से काला करना है। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, छोटी सी वीडियो है, क्योंकि जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी देखते हो उसका रिजल्ट भी आपको आधा अधूरा ही देखने को मिलता है। पहले इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, उसके बाद ही इसे तैयार करें और अपने सफेद बालों पर इसे अप्लाई कीजिएगा। इस नेचुरल होममेड डाई को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एलोवेरा लीव्स। एलोवेरा का आपको पाउडर लेना है। आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर एलोवेरा लीव्स पाउडर लिया है। नेक्स्ट आपको लेना है जी भृंगराज पाउडर। भृंगराज को आयुर्वेद में बालों का डॉक्टर कहा गया है। आपके सफ़ेद बालों के साथ साथ ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। 1 टेबल स्पून भृंगराज पाउडर। नेक्स्ट आपको लेना है जी ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी पाउडर आपके जो उम्र से पहले सफ़ेद बाल हो रहे हैं उन्हें वहीं पर स्टॉप करता है, आगे उन्हें सफ़ेद होने से रोकता है। तीनों पाउडर का आपको एक एक चम्मच लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है जी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने से आपके बालों का जो कलर है वो ब्लैक कलर में आएगा, वरना वो आपका डार्क ब्राउन कलर ही रहेगा। नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है जी हिना पाउडर। हिना पाउडर आपको 1 से 2 चम्मच ऐड करने हैं। थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका गाढ़ा थिक पेस्ट तैयार कर लीजिए। आपको बिल्कुल इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार करना है। नेक्स्ट आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। और आपको एक काम और करना है जी, आपको इसके ऊपर फॉइल पेपर दे देना है, ताकि जो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, इससे एयर भी पास ना हो और हमने जो भी चीज़ें इसमें ऐड की है उन सारी चीज़ों की गुडनेस इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। और उसके बाद आपको इस पैक को अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है। जिनके बालों पर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इनके काफ़ी हद तक बाल सफ़ेद हो चुके हैं। आपको पहले शैम्पू की हेल्प से हेयर वॉश कर लेने हैं, उसके बाद इस पैक को बालों पर अप्लाई कर दीजिए। बालों की जड़ों से लेकर बालों की लेंथ तक अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने बाल वॉश करने हैं। ना ही ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना है, ना ही ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कीजिए। आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए इस पैक को मंथ में 5 से 6 बार अपने बालों पर अप्लाई करना होगा। अब मैं हेयर वॉश करके आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं कि इनके बाल काफ़ी हद तक काले हो चुके हैं। आपको 4 से 5 बार यूज़ करने के बाद ऐसा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। आप इस वीडियो को जरूर अपने बालों पर लगा के देखिएगा, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा खुश रहें, मेरी वीडियो को वॉच करें, अपना प्यार मेरे चैनल पर इसी तरह बना के रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।